डियर स्टूडेंट्स, आज हम पीजी सेमेस्टर 2 के पेपर साइकोपैथोलॉजी के टॉपिक स्पेसिफिक फोबिया पर चर्चा करेंगे। फोबिया चिंता विकृति का एक ऐसा प्रकार है जिसमें व्यक्ति को बिना किसी कारण किसी उत्तेजना से अत्यधिक भय लगता है, जबकि इस प्रकार की उत्तेजना से व्यक्ति को भयभीत नहीं होना चाहिए, और भय लगता भी है तो इतनी अधिक मात्रा में भय नहीं लगनी चाहिए। इसके स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए सेलिंगमैन एवं रोजेनहैन का कहना है कि फोबिया एक सतत डर प्रतिक्रिया यानी परसिस्टेंट फियर रिएक्शन है जो खतरा के अनुपात से बहुत अधिक होता है। DSM-4 में फोबिया को 3 भागों में विभक्त किया गया है, स्पेसिफिक फोबिया, एगोराफोबिया, सोशल फोबिया। यहाँ पर हम स्पेसिफिक फोबिया पर चर्चा करेंगे। स्पेसिफिक फोबिया, जिसे सिंपल फोबिया भी कहा जाता है, फोबिया का एक प्रमुख प्रकार है जिसमें व्यक्ति बाह्य जगत के उत्तेजना जैसे मकड़ा, सांप, खुली जगह आदि से अत्यधिक भयभीत होता है। संपूर्ण फोबिया का 3% फोबिया स्पेसिफिक फोबिया के रोगी हैं। स्पेसिफिक फोबिया को अनेक प्रकार हैं, इन्हें मुख्यतः 4 भागों में विभक्त किया गया है। एनिमल फोबिया, जिसे जू फोबिया भी कहा जाता है, एक बहुत ही सामान्य प्रकार का स्पेसिफिक फोबिया है जिसमें रोगी विशेष तरह के पशु से कुछ कारणों से असंगत ढंग से डरने लगते हैं। सिगमंड फ्रायड के अनुसार एनिमल फोबिया बच्चों एवं महिलाओं में अधिक पाया जाता है। कुछ प्रमुख एनिमल फोबिया हैं फियर फ्रॉम स्पाइडर्स, एरेक्नोफोबिया, फियर फ्रॉम इंसेक्ट्स इंसेक्टोफोबिया, फियर फ्रॉम डॉग्स साइनोफोबिया और फियर फ्रॉम कैट एलोरोफोबिया। इलनेस एंड इंजूरी फोबिया, जिसे प्रोमेटोफोबिया भी कहा जाता है। इस तरह के फोबिया में व्यक्ति में चोट, जख्म या अन्य तरह के संबद्ध बीमारी से इरेशनल फियर उत्पन्न हो जाता है। हालांकि जिस बीमारी से वह इतना डरता है उससे अब इतना डरने की बात नहीं है। ऐसे लोग अन्य दृष्टिकोण से सामान्य होते हैं, परंतु उनमें इस बात का भय बना रहता है कि उसे जल्द ही अमुक बीमारी हो जाएगी। इस तरह के भय के डर से ही उसमें कुछ ऐसे लक्षण जैसे छाती में दर्द, पेट में दर्द आदि होने लगते हैं, जिससे वह समझता है कि अब उसमें अमुक रोग उत्पन्न हो जाएगा। इस तरह के फोबिया की शुरुआत सामान्यतः मिडिल एज में होता है, जैसे फियर फ्रॉम डेथ थैनेटोफोबिया, फियर फ्रॉम कैंसर कैंसरोफोबिया। ब्लड फोबिया को हेमोफोबिया या हेमेटोफोबिया भी कहा जाता है। इसे ब्लड इंजरी इलनेस फोबिया के नाम से भी जाना जाता है। इसमें रोगी में उन परिस्थितियों से इरेशनल फियर विकसित हो जाता है जिसमें उन्हें रक्त देखने को मिलता है, चाहे कट फट जाने से रक्त निकल रहा हो या इंजेक्शन देने से रक्त निकल रहा हो। इसी फोबिया के कारण वे मेडिकल जांच आदि से अपने आप को दूर रखते हैं। सामान्यतः 4% रोगी ब्लड फोबिया के शिकार हैं। ब्लड फोबिया महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। इसकी शुरुआत अक्सर लेट चाइल्डहुड में होती है। इनेमिनेट ऑब्जेक्ट फोबिया, जिसे ऑटोमेटनोफोबिया भी कहा जाता है। इसमें रोगी कुछ अजीवित वस्तुओं से इरेशनल फियर दिखलाता है, जैसे अंधेरे से भय, गंदगी से भय आदि। एनिमल फोबिया के समान ही इस फोबिया में भी केंद्र बिंदु एक विशेष ऑब्जेक्ट होता है, वरना अन्य दृष्टिकोण से व्यक्ति सामान्य दिखता है। इस तरह के फोबिया एनिमल फोबिया की तुलना में अधिक कॉमन है,
तथा वे पुरुष एवं महिला दोनों में ही लगभग समान रूप से होते हैं। इस तरह के फोबिया की एक विशेषता यह है कि यह किसी भी उम्र में व्यक्ति को हो सकती है, जैसे फियर फ्रॉम हाइट्स एक्रोफोबिया, फियर फ्रॉम डार्कनेस नाइटोफोबिया, फियर फ्रॉम बीइंग अलोन मोनोफोबिया। स्पेसिफिक फोबिया की व्याख्या करने के लिए बहुत से सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें से बायोलॉजिकल थ्योरीज, साइकोएनालिटिक थ्योरीज, बिहेवियरल थ्योरीज और कॉग्निटिव थ्योरीज प्रमुख हैं। बायोलॉजिकल थ्योरीज के अनुसार एक ही तरह के तनाव वाली परिस्थिति में होने पर भी कुछ व्यक्ति में फोबिया विकसित हो जाता है लेकिन अन्य व्यक्तियों में नहीं। इसका कारण मनोवैज्ञानिकों ने बायोलॉजिकल माल फंक्शनिंग को माना है। हेरिडिटी को भी एक प्रमुख फैक्टर माना गया है। लेसी ने 1967 में अनेक अध्ययनों के आधार पर यह बतलाया कि कुछ व्यक्तियों का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अधिक संवेदनशील होता है, जिसके कारण ये स्पेसिफिक फोबिया के शिकार अधिक होते हैं। गैबी का 1992 का अध्ययन भी इसका समर्थन करता है। फायर ने 1990 में अध्ययनों के आधार पर यह बतलाया कि स्पेसिफिक फोबिया उन्हीं बच्चों के होने की संभावना अधिक होती है जिनके माता पिता इसके शिकार होते हैं। फोबिया के कारणों की व्याख्या मनोविश्लेषणात्मक कारकों के रूप में भी की गई है। फ्रायड पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने फोबिया के कारणों की व्याख्या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के रूप में किया है। फ्रायड के अनुसार दमित ईड इच्छाएँ व्यक्ति में तनाव उत्पन्न करती हैं, जिस तनाव से बचने के लिए व्यक्ति फोबिया को एक डिफेंस के रूप में अपनाता है। यह चिंता डर उत्पन्न करने वाले ईड की इच्छा से विस्थापित होकर किसी अन्य वस्तु या परिस्थिति से संबंधित हो जाता है, जो इन इच्छाओं से किसी न किसी ढंग से जुड़ा होता है। वह वस्तु या परिस्थिति जैसे बंद स्थान, ऊंचाई, कीड़े मकोड़े आदि तब व्यक्ति के लिए फोबिया उत्पन्न करने वाले स्टिमुलस हो जाते हैं। उनसे दूर रहकर व्यक्ति अपने आप को दमित संघर्ष से बचाता है। बिहेवियरिस्टिक थ्योरी ने भी फोबिक बिहेवियर की व्याख्या क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग के आधार पर किया है। मॉडलिंग थ्योरी के अनुसार व्यक्ति समाज के दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को देखकर अनुकरण के आधार पर सीखता है। अतः इस सिद्धांत के अनुसार स्पेसिफिक फोबिया ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की उपज है। फोबिया के विकास में कुछ कॉग्निटिव फैक्टर्स भी अहम भूमिका रही है। फोबिया विकृति से ग्रस्त व्यक्ति जानबूझकर परिस्थिति को या उससे मिलने वाली सूचनाओं को इस ढंग से संपोषित करते हैं कि उसमें उनका फोबिक और मजबूत हो जाता है। इस तरह से फोबिया के उत्पन्न होने तथा उसे संपोषित होने में एक तरह का कॉग्निटिव बायस होता है। गोल्डफील्ड ने अपने अध्ययनों में पाया कि ऐसे लोग सामाजिक परिस्थिति में होने वाले मूल्यांकन को लेकर अधिक चिंतित रहते हैं। वेट्स के अनुसार ऐसे लोग दूसरों के मन में अपने बारे में उत्पन्न होने वाले प्रतिमा का अधिक ख्याल रखते हैं। स्पेसिफिक फोबिया के रोगी के ट्रीटमेंट के लिए बायोलॉजिकल थेरेपी, साइकोएनालिटिक थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी तथा कॉग्निटिव थेरेपी का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि स्पेसिफिक फोबिया के उत्पन्न होने के अनेक कारण एवं सिद्धांत हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए कई मॉडल्स हैं जिसका उपयोग मनोवैज्ञानिक एवं मनोचिकित्सक करते हैं।